नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना के संकट काल में जहां सभी सरकारें और देश की जनता इससे निपटने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना राजनीतिक हित सर्वोपरि दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते देश में दो बार साधुओं की हत्या हो जाती है, और देवरिया के एक बीजेपी नेता मुसलमानों से कुछ भी खरीदने को मना कर देते हैं, तो वहीं एक गांव में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी है ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस, जिसके ऊपर अक्सर यह आरोप लगते रहे कि वो हिंदुत्ववादी संगठन है और वो अपने अलावा और किसी को नहीं मानता, उसके प्रमुख लोगों को एकजुटता की सीख देते भी नजर आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको कि संकट काल में इस तरीके का व्यवहार कहां तक उचित है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देश में दूसरी बार दो साधुओं की मंदिर में घुसकर हत्या हो जाती है, तो वहीं तबलीगी जमात जिसका नाम आजकल चर्चाओं में है, उसका एक और मामला यहां पर निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश की एक घटना है, वहां पर मना करने के बावजूद मदरसों में छात्रों की भर्ती की जाती है, छात्रों को वहां बुलाया जाता है, और परिणाम वही निकलता है जिसका हमें डर था। जी हां, वो सभी छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो वही, इसी बीच देवरिया के एक बीजेपी नेता ने भी हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड करने की बात कही। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ इस ऑडियो में है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मीना के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मीना के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है, उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं, सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने, सबने खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं, उनके खेल चल रहे हैं। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं, राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है उनको चलता रहे, इससे बचना, ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए, और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए, और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, यह अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए।
वहीं जिस प्रकार से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश देवरिया में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपने तमाम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि इस कोरोना रूपी महामारी से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति मिले। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक नेता देवरिया में इस तरीके का अजीबोगरीब बयान देते हैं। तो वहीं इस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी अभी हमने आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत जी का भी बयान हमने सुनाया था, लगभग लगभग देश का हर एक बड़ा और समझदार शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि देश का हर एक बड़ा और समझदार नेता एकता की, भाईचारे की सीख दे रहा है, क्योंकि वही चीज इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, हर धर्म के हैं, हर समाज के हैं, जो लगातार इस कोरोना रूपी संकट से जूझते, लड़ते, भिड़ते समाज को बांटने में लगे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उमंग, कोरोना कहर ने मजबूत रीढ़ को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया है जी, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा और लोग बाहर निकलेंगे तब ये स्थिति और भयावह हो जाएगी जी। और चंद महीनों के ट्रेलर ने पूरी दुनिया को समझा दिया है कि कोरोना का कहर किस कदर दुनिया को बर्बाद कर देगा, किस तरह से लोगों की जाने जाएंगी, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन वहीं पर कुछ समुदाय के लोग होते हैं, कुछ पार्टी के लोग होते हैं, जो सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, वो अपने अल्प ज्ञान के कारण, ये धर्म के ठेकेदार जो होते हैं, जो बनते हैं, ये अपने निजी फायदे के लिए या चर्चा में आने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि देवरिया के बीजेपी के विधायक सुरेश तिवारी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी न खरीदें, तो इस तरीके का जो ये भेदभाव है, जो इस तरीके का मैसेज ऐसे समय पे भेज रहे हैं, जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि 130 करोड़ जो भारत की संतानें हैं वो अपने बंधु हैं, वो अपने लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कहते हैं कि सब भारत के लोग हैं और सबको एक साथ मिलकर इस जंग को लड़ना होगा, वहीं से इस तरह के जो ये वीडियो वायरल होते हैं, ये समाज को आपस में बांटते हैं, ये एकजुटता को खत्म करते हैं, जो एक तरह से हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष करते हैं उसमें बहुत बड़े बाधक होते हैं। ये इनकी संकुचित सोच है और ये इनका अल्प ज्ञान है जिसके कारण वो इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, लोगों का अल्प ज्ञान ही इस समय सबसे ज्यादा घातक नजर आ रहा है, क्योंकि आम दिनों की अगर बात हो तो अक्सर हम इस तरह की राजनीति की, इस तरह की बातों से तो हम रूबरू होते ही हैं, मीडिया के लोग हैं, हमें अक्सर इस तरह की खबरें, इस तरह के समाचार, इस तरह के ऑडियो वीडियो वायरल होते हमारे पास आते हैं। लेकिन आज के इस संकट काल में जब देश को एकता की, भाईचारे की, आपसी बंधुत्व की, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, इस समय भी ये कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़े वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने देखा पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम ऐसी सरकारें जो इस कोरोना से लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, वो अपने अपने राज्य की जनता के भले के लिए जो भी चाहे वो उनको करना पड़े वो कर रही हैं, ताकि जितना जल्दी इस बीमारी से मुक्ति मिल सके उतना ही ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इन सभी योजनाओं में, इस अच्छे प्रयास में पलीता लगाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? जी देखिए उमंग, सबसे जो अहम और खास बात है, जो तमाम मीडिया वर्ग हैं, सोशल मीडिया हैं, तथित कथित जो बुद्धिजीवी हैं, वो अभी तक एक वर्ग विशेष को लेकर के उनके द्वारा कोरोना फैलाया जा रहा है, हवा तब जो है और फैल जाती है और संकेत उस समय और मजबूत हो जाते हैं जी, जब हमें जो सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं कि इस समय देश भर में कोरोना के या प्रदेश में कोरोना के कुल इतने मरीज हैं, लेकिन उसमें अलग से मेंशन किया जाता है कि इसमें जमाती इतने हैं या वर्ग विशेष का उल्लेख किया जाता है, तो जो लोग इस तरीके की जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, जो इस तरीके की जो है दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, उनकी जो बातों को बल मिलता है और उसके बाद वो इस तरीके के जो है बाज़ार में निकल करके बयान देते हैं कि इस तरीके। अब आप एक बहुत ही छोटी और एक जो है हल्की बात है कि आप ऐसे माहौल पे, जब पूरी दुनिया, पूरा देश, हिंदुस्तान ये कह रहा है कि इस समय जो है, ये तो किसी ने नहीं कहा,
जब 2014 में पहला जो है बार मोदी ने देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों से मैं कहता हूं कि हर आदमी एक कदम आगे चले, तब उसमें जाति वर्ग का कोई स्थान नहीं आया, तब उसमें किसी वर्ग विशेष का कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन आज जो ये कोरोना जैसी महामारी के चलते अगर कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की भ्रांति फैलाई जा रही है या उनके लिए वर्ग विशेष के लिए टीका टिप्पणी की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आने वाले समय में जो है इसके बहुत ही जो है नकारात्मक प्रभाव सामने आएंगे। और आप कैसे कह सकते हैं कि आप अगर आप एक वर्ग विशेष की आप उपेक्षा कर दीजिए, आप समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन को फैला रहे हैं, एक भेदभाव को फैला रहे हैं, और इसका फायदा जो साहिब मसनद हैं और जो सत्ताधीश लोग हैं वो उसका फायदा उठाने का बिल्कुल तैयार बैठे। जब तक वो अपनी तरफ से कोई जो है बयान नहीं जारी करते हैं या वो खुल मीडिया के सामने आकर के बात नहीं कहते हैं कि ऐसे लोग एक जो है उत्तर प्रदेश की एक सामान्य सी विधानसभा का सामान्य सा विधायक कहता है कि आप इस तरीके से जाति वर्ग के लिए वर्ग विशेष के लिए के लोगों के साथ इस तरीके का आप करिए, तो ये आपको क्या लगता है कि ये उसको मालूम है कि ये ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वो ऐसे कोरोना काल में जहाँ पे उसमें आज की डेट में वो मीडिया में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, चर्चाओं में नहीं है, वो एकाएक सुर्खियों में आ जाता है, एकाएक उसके बयान जो है वायरल होने लगते हैं, तो वो इस समय वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया को भी समझना होगा, सामाजिक संगठनों को भी देखना होगा, राजनीतिक आकाओं को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और खासतौर से मीडिया को, सोशल मीडिया को ऐसे बयानों पर तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए और उनको बिल्कुल इसको जो है गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आप ये समझिए उत्तराखंड में यहाँ पे कुमाऊं में नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में पिछले जो है 13 तारीख से कर्फ्यू लगा है, वहाँ की करीब 50 से 70 हज़ार की आबादी मुस्लिम इलाके में है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्रशासन ने उनके लिए तमाम तरीके के इंतजाम कर रखे हैं। रमजान के महीने में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बधाई देते हैं पूरे प्रदेशवासियों को, तो ऐसी स्थिति में कहीं से कहीं तक का जो कायदे के जो एक सकारात्मक सोच की विचारधारा के लोग हैं वो लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि आज की डेट में मीडिया का फोकस उन पर नहीं है, सोशल मीडिया में उनके कार्यकर्ताओं में उनका जो है ग्राफ कम होता जा रहा है, तो वो ऐसे लोग जो एक मीडिया की सुर्खी बनना चाहते हैं वो इस तरीके के अनर्गल बयान दे करके जो है आज जो है समाज के बीच में दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे हालातों में, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे सत्ताधीश हों, चाहे साहिब मसनद हों, इन सबको आगे आना पड़ेगा और इन लोगों को यह कहना पड़ेगा कि कम से कम इस तरीके के आज के समय पर ऐसी चीज़ों का उल्लेख ना करें और ऐसे लोग जो बयान देंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पूरे समाज को देखिए, समाज में तमाम तबका है, तमाम वर्ग है, जो अभी जिस तरीके से जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बताया कि कुछ लोगों के मन में बातें आ सकती हैं, अब आप ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाइए कि जो है कहीं ना कहीं जब एक हर अथॉरिटी से एक बयान जारी होता है, एक कोई चीज़ चलती है, तो उसका असर जो है निचले तबके तक के लोगों में होता है और वो हर आदमी अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है और हर आदमी उसके हिसाब से अपने अर्थ निकालता है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं कि इससे प्रभावित होकर के चीज़ें सामने आएँ। देखिए, हर शहर में, हर जगह पर, हर इलाके में, हर जिलों में कहीं ना कहीं इस तरीके की भावना जो है सुनने को या देखने को मिल रही है, और जहाँ पर अगर कुछ लोगों ने इसको हवा देने का प्रयास किया तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों वर्गों की तरफ से जो है इसको रोकने का काम किया गया है अभी तक जो हमने देखा। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जैसे अभी आपने भी बताया कि एक सामान्य सी जगह का एक सामान्य सा नेता सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब आम जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें किसकी बात को सुनना है, किसकी बात को नहीं सुनना है, और सस्ती लोकप्रियता पाने की इच्छा रखने वाले ऐसे तमाम लोगों का सरकार को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को तो उनके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन अब जनता को भी इनका बॉयकॉट कर देना चाहिए। भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश पुरोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी भूपेंद्र जी ने भी कहा, चंद्रसेन जी भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हर जगह, हर जाति में, हर समाज में है, सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके कहे गए वाक्य अगर उनको 10 जने भी अगर फॉलो करते हैं तो वो 10 जने आगे जाकर उसकी बात को किस तरीके से पेश करेंगे ये शायद वो भी नहीं जानते होंगे, और ऐसे ही खबरें फैलती हैं। और इस समय जब जरूरत है एकजुटता की, तो ऐसे में ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देश में कुछ अगर घटना हो जाती है तो उसको धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे रमेश जी? उमंग, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक वैचारिक संघर्ष है, और वैचारिक संघर्ष में हर आदमी के जो दिमाग से जो बात निकलती है वो जुबान से बाहर आती है, और जुबान से जब बाहर आती है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वह कितना खतरनाक हो सकता है, यह हमने आज के कोरोना के संदर्भ में नहीं,
लंबे अरसे से देखता आया भारतीय संस्कृति की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे साथ में जो हजारों साल का जो एक इतिहास चला आया है, ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जब हमने विरोधी विचारों को भी अपनाते हुए आगे बढ़ते आए हैं और उनका सम्मान किया है। जब ईसाई धर्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ या मुस्लिम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ या जैन बौद्ध पारसी यहूदी जितने भी जो वैचारिक जो दुनिया भर में हुआ, हम लोगों ने भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति का जो विशालता की बात करते हैं तो उन सब में इसको अपनाया है और अपनाते हुए आज 21वीं सदी की ओर लगातार जो विकास क्रम में हम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी वैचारिक संघर्ष देखने को नहीं मिला। हाँ, यदा कदा जब भी इस तरह के जो है वातावरण में ये कुछ वर्ग कुछ व्यक्ति या एक सोसाइटी का जो बहुत जो कहना आधारहीन लोग होते हैं वह इस तरह की जब बात करते हैं तब संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और वही संघर्ष जो है जब खतरनाक जो स्थिति तक पहुंचती है तब कई तरह की जो है समस्या उत्पन्न होती है। कोरोना संदर्भ की जब हम बात करते हैं और जब एक एमएलए हो या एमपी हो या जो संवैधानिक प्रमुख जो संविधान की शपथ लेकर के सदस्य बनता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वह जब सोचता है या बोलता है तो उसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए इसका तो भान होना ही चाहिए। और जब विपरीत परिस्थितियों में अगर एक छोटी सी भी बात अगर बाहर निकलती है तब कितना बड़ा उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है वह आज की परिस्थितियों को देखते हुए हर जगह देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर कई जगह पे हमें भी देखने को और सुनने को मिल रहा है कि उस इलाके में इन लोगों को जो है बैन कर दिया गया है या इन लोगों के साथ में संवाद संपर्क की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, ये क्या कारण हो रहा है। तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बन जाती है, दायित्व बन जाता है कि वह उस दायरे में रह करके जिस लक्ष्मण रेखा की बात आज से हजारों साल पहले कह दी गई थी तो उनको लक्ष्मण रेखा में रहना ही पड़ेगा। रहना ही पड़ेगा का मतलब उस दायरे में रह करके वो अपने काम को आचरण को और व्यवहार को रखे, अगर वो नहीं करता है तब दिक्कतें पैदा होती है। और ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप को आइसोलेशन में डाल देते हैं, थोड़ा समय तक तो वो बात चर्चा में रहेगी ठीक रहेगा लेकिन लंबे काल में वे व्यक्ति इस तरह के जो होते हैं उनका कोई लोग पूछते नहीं है, कोई उसका नहीं करता है, इसीलिए वो साइड लाइन हो जाते हैं। इस धारा प्रवाह में जो बहेगा वही आगे तक बढ़ेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। लेकिन इस तरह के जो जिसकी बात या कोरोना संदर्भ में जो चर्चा हो रहा है, चाहे तबलीगी जमात का जो साध हो या जो एमएलए विधायक या कोई भी हो, इस विरोधी विचारधारा को साथ में लेकर के जो चलता है वह हमेशा साइड लाइन होना, पहली बात तो ये। दूसरा कि जब भारतीय जो शासनिक जो व्यवस्था संविधान के अंतर्गत चलती है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास को ले जिस एजेंडे को लेकर के काम उन्होंने शुरू किया, उनके विरोधी विचारक लगातार ये कहते आ रहे हैं कि यह, और पूरे दुनिया में आप जो है विभिन्न देशों की जो रिपोर्टिंग देखते हैं तो उनके बारे में यह कहा जाता है हिंदूवादी विचारधारा है या इस के खास विचारधारा की जो है सरकार केंद्र में काम कर रही है, भारत में काम कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए सबका साथ और सबका विकास का जो एक उद्घोषणा की थी वह सरकार आज भी उसी जो है अपने आधार पर काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह के जो उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग इन विचारों को लेकर के अगर आते हैं तो एक जो मूल जो लक्ष्य होता है, बड़े जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की प्राप्ति में कभी कभी रुकावटें पैदा होती है। यदा कदा देखा है 2014 से लगा करके आज तक ऐसे कई अवसर आए जब केंद्र की सरकार भी कटघरे में खड़ी होती दिखाई दी ऐसे लोगों की जो है कार्यशैली की वजह से। अब आए मोहन भागवत ने जो कहा की वजह से जो सरकार का जो विपक्षी जो पद है जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना से उन्हें भी बल मिलता है, उन्हें भी सरकार की आलोचना करने के पॉइंट्स मिल जाते हैं। हालांकि अगर कोरोना काल में अगर बात की जाए सरकार की भली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर राज्य सरकारों की किसी भी मुख्यमंत्री की बात हो, आज पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। भारत के राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया जाता है, प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया जाता है, और ऐसे में निकल के ऐसे छुट भैये नेता ही कहेंगे जो कि जिनका दिमागी विकास शायद पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, वो इस तरीके के बयान दे देते हैं और बिना बात लोगों को कुछ भी बोलने का एक मकसद मिल जाता है। क्या कहेंगे फिरोज जी? उनका कोई आधार नहीं है। ऐसे लोग जो छुटभैया जो पानी के बुलबुलों की तरह उभरते हैं और वहीं पर जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसे नेता जो होते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता कहते हैं, वो लंबी दूरी तक इस सार्वजनिक जीवन में ठहर नहीं पाते, टिक नहीं पाते। कार्यकाल 2-4 साल 5 साल का होता, 5 साल बाद में वो कहाँ जाएंगे कोई अता पता नहीं होता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता होगा वही जो है अपनी एक जो अलग पहचान कायम करेगा, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत हो या देश में नरेंद्र मोदी हो। इस तरह के लोग जो लंबे समय तक, अच्छा उन लोगों को जो है स्थानीय परिवेश की पूरी जानकारी होती है, लोगों से समझ होती है, संवाद करने का जो तरीका होता है, और अपने विरोध में जो आवाजें उठती है उनका भी उनको भान होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर आपको सार्वजनिक जीवन में रहना है तो आपको जनता से जुड़े हुए लोगों से धरातल पर रहकर के राजनीति करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरा, इस तरह के जो छुटपैया जो नेता होते हैं वो उस व्यवस्था को विसंगतियों की ओर ले जाते हैं, विभिन्नता पैदा करते हैं, और जो दरार एक बार पड़ जाती है, जिसके कहते हैं कि पानी में कोई लकीर नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग पानी में भी लकीर पैदा करना जानते हैं, तो फिर उसका क्या असर होगा यह तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा, ऐसे लोगों का आगे जाके क्या हश्र होगा वो तो उनका तो भगवान ही मालिक है। खैर भूपेंद्र जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने, देवरिया से एक बीजेपी नेता ने इस तरह की कमेंट की है, इस तरीके का जो धार्मिक वैमनस्य से बढ़ाने का जो काम किया है, ऐसा ही एक उदाहरण कुछ दिनों पहले या हम कह सकते हैं कुछ महीनों पहले उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, जब बीजेपी के ही 2 नेता आपस में भिड़ पड़े थे। तो हालांकि कोरोना संकट काल चल रहा है, बातें उस पर होनी चाहिए, लेकिन जब ये चर्चा शुरू हुई है तो कुछ ऐसे लोगों की भी बात होनी चाहिए, ताकि देखने वाले जो लोग हैं वो कम से कम ये समझ सकें कि हमें किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है। भूपेंद्र जी, जी देखिए उमंग, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ समय पहले ऐसा है कि एक हर व्यक्ति की, हर नेता की, और मैं यहाँ पे मतलब मेरी ये अपनी निजी राय है कि मुझे लगता है कि नेता से ज़्यादा समझदार, नेता से ज़्यादा होशियार कोई दूसरी जो है प्रजाति नहीं है यहाँ पे। आप एक नेता अपनी विधानसभा में जो है लोगों के बीच में चुना जाता है, चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद आता है, उसके पास लोगों से मिलने का, लोगों को समझने का, लोगों को समझाने का बहुत बढ़िया टैक्टिस है, कि तभी वो वहाँ पे पहुँच रहा है, विधानसभा में पहुँच रहा है या संसद में पहुँच रहा है। तो वो उसे पता है कि हमारी इस बात का कहाँ से कितना असर जाएगा और मैं किस वर्ग को, किस व्यक्ति को, किस काम को, किस सरकार को, किस मंत्री को, किस विधायक को और किस जनता को टारगेट कर रहा हूँ। उससे बेहतर जो है, मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय है कि मुझे नहीं लगता कि कोई जो उससे बेहतर समझ सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को कहां स्थापित करना है, अपने आप को किस तरीके से सुर्खियों में लाना है, ये नेता से बढ़िया दूसरी कोई कौम जानती ही नहीं है। तो ऐसी ऐस तरीके के नेता चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, यहाँ पे मौजूद है। वो उन्हें मालूम है कि हम ये बयान देंगे, इसका विरोध होगा और इस पर चर्चा चालू होगी, इस पर 2-4 लोग मेरे समर्थन में आएंगे, 2-4 लोग मुझे जो है थोड़ा सा अपशब्द की संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक अपनी सुर्खियों में और अपने आप को जो हाईलाइट करने के लिए, अपना जो है अस्तित्व बचाए रखने के लिए इससे बढ़िया प्रयास करता है। तो इस तरीके के लोग हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए, अगर ऐसे लोग, अगर जब तक का इसमें सरकारें या जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो है बाकायदे जो चुनी हुई सरकारों की तरफ से अगर ऐसा कोई बयान नहीं आता है कि इस तरीके की चीज़ों को आप जो है निगलेक्ट करिए या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उनका मनोबल बढ़ता है, उनका जो है कहीं ना कहीं उनकी बात को मजबूती मिलती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में ही जो है यहाँ पर लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तानी जो है और अन्य देशों में नहीं रहते या मुस्लिम कंट्री में काम नहीं कर रहे हैं, अगर वहाँ से उनके द्वारा ऐसे
नेताओं को, ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो दूसरे गल्फ कंट्रीज़ में या दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, अगर उनके कल के दिन वहाँ से कह दिया जाए कि हम यहाँ के तमाम जो है हिंदुओं को निकाल रहे हैं, हम यहाँ के लोगों का उनका बाइकआउट कर रहे हैं, हम यहाँ के उद्योगपतियों को जो है अपना यहाँ से बहिष्कार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ के लोगों पर क्या बीतेगी, वहाँ के लोगों पर किस तरीके से पूरे देश की व्यवस्था, किस तरीके से जो है सामाजिक और आपसी सौहार्द किस तरीके से चरमरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो छोटे, मैंने इसीलिए आपसे कहा उत्तर प्रदेश की एक सामान्य सी विधानसभा का एक अदना सा विधायक इस तरीके के बयान को देता है, जो ना राष्ट्रीय स्तर पर उसकी किसकी पहचान है, ना वो अंतर्राष्ट्रीय मसलों को समझता है, ना वो जानता है, ना उसकी कोई उसे पता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है टेरिटरी कहाँ पर है, उसके बयान का क्या अर्थ है, उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई उसको हाईलाइट करेगा। तो इस चीज़ों को चाहे उत्तराखंड हो, उत्तराखंड के भी जैसे आपने कहा कि दो नेताओं के द्वारा आपसी बहस चली गई, लेकिन वो देखिए आप कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया गया, उस पर तुरंत बताया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंसीधर भगत हो या कांग्रेस के प्रीतम सिंह हो, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की बातों को आज हमें जरूरत नहीं है, आज हमें एकजुट होकर के आपसी सौहार्द को बनाए रखना है, आपसी तालमेल को मजबूत रखना है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको आगे ले जाना है। हमारा इस समय कोई बीमारी किसी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को देख के नहीं हो रही है, ये किसी को भी कभी भी हो सकती है, और ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई आपसे गलती नहीं हुई है, ये कभी भी आप अगर ऐसे हैं संक्रमित है तो आप सामने आइए, सरकारें आपका साथ देंगे, प्रशासन आपका उपचार करवाएगा, आपको आगे बताना है, इसमें डरने या खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, जैसे अभी आपने भी कहा कि ये बीमारी किसी वर्ग विशेष को या किसी धर्म विशेष को या फिर किसी जाति विशेष को देख के नहीं आ रही है, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, और इससे घबराने की, डरने की, खौफ खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यही डर ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को, समाज को, पूरे उस इलाके को भी बीमार कर सकता है, अगर आपने किसी भी डर की वजह से या किसी के कहने पर आपने अगर इसको छुपाया। और शायद यही संदेश मोहन भागवत जी ने भी दिया था कि आप इस बीमारी से डरे नहीं और इससे खौफ नहीं खाएं, 14 दिन के क्वारंटाइन में ऐसा ना सोचें कि पता नहीं हमारे साथ में क्या कुछ किया जाएगा। मोहन भागवत जी के इस बयान पर भी चर्चा करेंगे, और उत्तर प्रदेश में दो साधुओं की भी हत्या हुई है, तबलीगी जमात के लोगों ने सरकार के आदेश नहीं माने और मदरसों में बच्चों को बुलाया है, उसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ गए हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।